दोस्तों, मैं दिनेश केवरा, घर हो तो ऐसा इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। घर के 16 हिस्से ये सीरीज हम पूरी कर चुके हैं। आज हम एक बड़ा अलग सब्जेक्ट ले रहे हैं, यहाँ पर डिप्रेशन। आपको शायद सुनकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान के अंदर करीब करीब 10% से ज्यादा लोग डिप्रेशन में हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग अंडर डीप स्ट्रेस हैं। मुश्किल से 10% पॉपुलेशन ऐसी है इंडिया की जो लाइट स्ट्रेस में है, और धीरे धीरे जो डीप स्ट्रेस के केसेस हैं डिप्रेशन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और एक अनुमान ये है कि बहुत जल्दी 2030 तक हर 7 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है, यह अभी भी हो चुका है। मैं आपको बताऊं, हर 7 में से एक व्यक्ति, आपको हर दूसरे घर में एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार मिलेगा। और टेंशन या स्ट्रेस तो सबको मिलेगी, लेकिन ये डिप्रेशन इंसान को किल कर रहा है। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, उनके ऊपर जो स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा है, मानसिक तनाव। जब मानसिक तनाव बहुत बढ़ता है और लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते तो डिप्रेशन में चेंज होता है, फिर गोलियां खानी पड़ती हैं और कई लोग उसमें सुसाइड भी कर लेते हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जब बहुत ज़्यादा तनाव होता है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाते तो वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इससे माइंड और बॉडी दोनों इफेक्टेड रहते हैं। अभी डिप्रेशन के केसेस में हम ऐसा क्या करें कि आपका डिप्रेशन कम हो सके? कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। पहले तो हम देखते हैं कि कुछ कारण ऐसे काउंट करके देखते हैं कि कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं। हालांकि कारण तो बहुत हैं, लेकिन ये कुछ कारण हो सकते हैं जो मतलब जिससे डिप्रेशन हो रहा है। जैसे यंगस्टर्स में सही कॉलेज में एडमिशन ना मिलना, फीस का ना दे पाना, हेल्थ खराब रहना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, डेट्स यानी कि कर्जे बहुत हैं, व्यापार में बहुत नुकसान है, नौकरी का ना मिल पाना, लिटिगेशन या अदालती जो फेरे चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आपसी जो संबंध हैं चाहे वो एक मैरिटल रिलेशन हो या फिर जो नौजवान आजकल खुलेआम अपने संबंध रखते हैं वो हो गया है, प्रेम संबंध हो गए, कई बार नौकरी के अंदर बुरा व्यवहार होना, बच्चों को बुरा ट्रीटमेंट मिलना, कई बार स्कूल के अंदर उनके डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, एग्ज़ाम में फेल हो जाना, टाइम पर प्रमोशन नहीं मिल पाना, घर में कहीं ना कहीं मैरिटल डिस्कॉर्ड्स हो जाना, कितने ही कारण हो सकते हैं जिसमें आर्थिक कारण भी हैं, पॉलिटिकल कारण भी हैं, इमोशनल कारण भी हैं, भावनात्मक कारण भी हैं, सामाजिक कारण भी हैं, राजनीतिक कारण भी हैं। ये सारे के सारे देखा जाए तो हमारे ऊपर प्रेशर का काम करते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं। जब प्रेशर बढ़ा देते हैं तो ये नहीं समझ आता क्या करो, और ऐसे में व्यक्ति अपने आप में गुम होता चला जाता है और कई बार आत्महत्या करने की कोशिश करता है, कर भी लेता ना को तुम, क्योंकि इंडिया में सुसाइड करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। IITs वगैरह से अक्सर खबरें आती रहती कि स्टूडेंट्स जो अंडर प्रेशर रहते हैं परफॉर्म करने के लिए वो कर लेते हैं, कई बार बच्चे 10वीं क्लास के रिजल्ट से पहले ही सुसाइड कर लेते हैं, कई बार रिजल्ट के बाद सुसाइड कर लेते हैं। ये आम खबरें आपको सुनने में मिलेंगी एग्जामिनेशन के टाइम के अंदर। उसको ठीक करने का जो क्या रास्ता हो सकता है वो हम बाद में करेंगे। स्टूडेंट्स के अंदर जो डिप्रेशन है उसको कैसे, स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए वो एक अलग कड़ी में हम आपको लेके आएंगे। लेकिन हम यहाँ पे आपको छोटे छोटे कुछ ऐसे उपाय बता सकते हैं जिसकी वजह से आपका डिप्रेशन कम हो सकता है। और आप अपने घर के अंदर उन चीज़ों को चेक कीजिए कि क्या कुछ ऐसा है। जो व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं उनके अंदर ना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, आत्मविश्वास नहीं होता या बहुत कमी होती है, उन्हें अपने आप पर यकीन नहीं रह जाता है। इनके घरों में, उन कमरों में खासतौर से जो उनका रूम होगा या घर में भी, कभी भी दीवारों पे नीले रंग का पेंट ना करें, ब्लू कलर ना, कभी नहीं करना। उनके रूम तो छोड़िए, जो बाकी किचन या ड्राइंग रूम या दूसरे बेडरूम हैं, ओपन एरियाज हैं, वहाँ भी कभी भी ब्लू कलर का पेंट नहीं इस्तेमाल करना है। ब्लू कलर की कोई आपके पर्दे या ब्लू कलर की कुछ आइटम्स या कोई झरना, छोटे छोटे फाउंटेन लोग लगाते हैं, या कोई सोफा सेट्स के कवर होते हैं ब्लू, नहीं, बिल्कुल नहीं साहब, इनको हटा दीजिए।
तुरंत फायदा मिलना शुरू हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। नीला रंग जो कि बेसिकली डिप्रेशन का ही प्रतीक है, ब्लू कलर, और पानी का मतलब ब्लू होता है। ब्लू मतलब इंसान का दिमाग और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, परेशान होता है। तो इन घरों में कभी ब्लू कलर का इस्तेमाल नहीं करना है। ब्लू कलर की कभी चीज़ें भी ना लेके आइए। गलती से कहीं आप बाथरूम में, तो आप ब्लू कलर का टॉवल मत रख दीजिए कभी, उससे और डिप्रेशन बढ़ जाएगा। ब्लू कलर के रुमाल नहीं देने हैं, शर्ट नहीं देनी है, पैंट नहीं देनी है, इनसे भी दूर रखिए उनको। इसका मतलब घर के अंदर हमको बेसिकली ब्लू कलर होता है वाटर एलिमेंट का, उसका इस्तेमाल कम करना है हमको। इसका मतलब ये नहीं कि पानी नहीं पीना, पानी पीना है, सब्जी बनानी, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नीले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। इन लोगों के लिए घर में हमेशा ब्राइट कलर्स का यूज़ करना है। कैसा? ब्राइट कलर्स, चमकदार कलर्स हो। और उस कमरे में जैसे कि ब्राइट कलर कैसे होंगे, जैसे मुस्कुराते हुए चित्र हैं, स्माइलिंग जो फोटोग्राफ्स हैं, सूर्य के उगने का चित्र है, सनराइज, ताज़े फूलों की फ़ोटो है, ताज़े फलों की फ़ोटो है, ताज़े फल रखो, इससे डिप्रेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। डिप्रेशन जिस व्यक्ति को हो उसका कमरा एकदम अलग थलग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नज़दीक रहना चाहिए, ताकि ज़रा सी आवाज़ सुनते आप उसकी मदद कर पाएं। इन कमरों की जो छत होती है वो नॉर्मल छत होनी चाहिए, नीची छत नहीं होनी चाहिए कि नीची छत वाला कोई इनको कमरा दे दे, वो बीमार पड़ जाएंगे। और उन्हें बीम के नीचे तो बिल्कुल नहीं सोना है, क्योंकि अगर बीम के नीचे सोएंगे तो तकलीफ है। कमरा हवादार भी हो और रोशनी वाला हो, ऐसा कमरा जहाँ पे सारा दिन बल्ब जले। अब देखिए कई रूम्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ नेचुरल लाइट नहीं आती और आपको हर टाइम वहाँ पे लाइट जलानी पड़ती है, इलेक्ट्रिकल बल्ब से लगा के या ट्यूबलाइट लगा के, वो कमरा उनको नहीं देना है आपको, तो इससे आपके डिप्रेशन को कंट्रोल करने में बहुत फ़ायदा होगा। आपको कैसे कलर्स उसके रूम में रखने होंगे, लाल रंग का कलर है, पीला है, गुलाबी है, हरा है, जो ब्राइट कलर्स हैं, चमकदार कलर्स हैं। लेकिन इसको एलिमेंट के हिसाब से भी रखिएगा कि उसको सूट क्या करता है, वो पहले देख लीजिएगा, दिशाएं भी देख लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पे नीले रंग की ही दिशा हो, और नीला तो कर नहीं सकते, तो फिर वहाँ पे दूसरा कलर जो हो सकता है उसको ग्रे कलर, वो भी नहीं करना है। यहाँ पे आप क्रीम कलर कर सकते हैं बहुत आराम से, वो क्रीम कलर उसको बहुत ही देखा जाए तो शोभा भी देगा और शांति देगा। यहाँ पे जितना पॉसिबल हो पीला रंग बहुत अच्छा है, क्योंकि वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व जल को कंट्रोल करता है, जल तत्व को। पृथ्वी तत्व जो है जादू का काम कर सकता है पीला रंग। और ये मिट्टी, पृथ्वी मतलब मिट्टी, ये रोशनी लाता है, ऊर्जा लाता है, एनर्जी लेके आता है, डिप्रेशन कम करता है, एक चमक लेके आता है, आलसीपन को दूर करता है, लेजीनेस दूर करते हैं। उसका मिट्टी का रंग हो सकता है, पीला रंग हो सकता है। उस रूम के अंदर जहाँ पे ये डिप्रेशन वाला व्यक्ति है, कुछ मिट्टी से बनी वस्तुएँ रखें, चमकदार रंगों से बनी हुई, नीला रंग नहीं होना चाहिए उसमें, मिट्टी से बनी वस्तुएं, मिट्टी का कोई खिलौना होगा, कोई वास होगा, कोई चीज़ मिट्टी की बनी हुई हो, वो रखिए वहाँ पे और उसका फ़र्क देखिए। इससे सकारात्मक, पॉजिटिव, प्रोडक्टिव असर पड़ता है डिप्रेशन के व्यक्ति के ऊपर। वहाँ पर नीला रंग यानी कि जल तत्व को कम कर रहे हो, तो साथ में आकाश तत्व को भी कम करना है। आकाश तत्व जिसको मेटल भी कहते हैं, जिसका कलर लाइट ग्रे या वाइट होता है। कभी भी वाइट कलर आपको डिप्रेशन वाले व्यक्ति को घर में नहीं करना है। वाइट कलर से दूर रहो, लाइट ग्रे कलर से भी दूर रहो, ये और बीमार कर देगा आपको, और बीमार होंगे तो फिर आपको रिकवरी के अंदर टाइम लग जाएगा। ऐसे लोगों को कहिए कि कुछ पढ़ने की आदतें डालें, कुछ संगीत, कुछ पेंटिंग, कुछ शाम की सैर, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो उसको प्रमोट करे प्रोडक्टिविटी या पॉजिटिविटी लेके आए। ऐसे लोग अगर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, सूर्य का जाप करेंगे, ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो बहुत ही फायदा होगा। क्योंकि सूर्य का मतलब पीला रंग, पीला रंग मतलब ब्राइटनेस, तो घर में सूर्य उदय का फोटोग्राफ लगाएंगे तो उनकी अपने आप ही देखेंगे डिप्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ खास चीज़ें मैंने आपको बताई जो उपाय हैं। जिस घर में भी डिप्रेशन है या जिस घर में भी किसी को ज़्यादा तनाव है, टेंशन है, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, उस घर में ये चीज़ें आप लागू कीजिए और आप पाएंगे
एक हफ्ते के अंदर अंदर डिप्रेशन में कमी आ गई है। ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। आजमा के देखिए इसको, क्योंकि घर हो तो ऐसा में हम बताते हैं आपको कुछ ऐसी चीजें जो और कहीं नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये शरीर बिल्डिंग और स्पेस का कॉम्बिनेशन है, बॉडी बिल्डिंग एंड यूनिवर्स या स्पेस का कॉम्बिनेशन है, सब कुछ इसके इर्द गिर्द घूमता है। आजमा के देखिए और डिप्रेशन और स्ट्रेस को, टेंशन को चुटकियों में दूर भगाइए। कैसा लगा आपको एपिसोड लिख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।